स्टॉक्स की स्पेशल वीडियो में आपको खुश आमदी। चंद दिन पहले स्टॉक्स की एक वीडियो में पीआईए से गुलाम सदर ने कहा कि बदकिस्मती से पीआईए के चार पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली, क्योंकि पायलट्स को भर्ती करते वक्त मेरिट को नजरअंदाज किया गया। पायलट्स को भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, जो दुख की बात है। अगर पायलट्स को बिना मेरिट और डिग्री के इतने बड़े ओहदे पर फायर्स करके सैकड़ों लोगों की जिंदगियां सौंप दी जाती हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में इंटरनेशनल लेवल पर पीआईए को बैन कर दिया जाएगा? स्टॉक्स की जानिब से की गई ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। बड़ी और बुरी खबर आपको देंगे। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोपियन ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन के इजाजत नामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुअत्तली का इत्तलाक 1 जुलाई 2020 रात 12 बजे यूटीसी टाइम के मुताबिक होगा। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोपियन ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन के इजाजत नामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। यूरोपीय ममालिक के लिए परवाजों की मनसूखी, पीआईए को 7 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सूरत हाल पर गौर के लिए सीईओ की जेर सदारत पीआईए इंतजामे का अहम इजलास कई घंटों से जारी। तर्जमान पीआईए कहते हैं कि यूरोपीय एयर सेफ्टी के खदशात दूर करने के इकदाम कर रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए का फजाई ऑपरेशन इजाजतनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। तर्जमान पीआईए ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुअत्तली का इत्तलाक 1 जुलाई 2020 रात 12 बजे से होगा। उनका कहना है कि पीआईए यूरोपीय फजाई सेफ्टी के इदारे के साथ मुसलसल राबते में है। जिनके पास पीआईए बुकिंग है, वो चाहें तो बुकिंग आगे करवा लें। मुल्की सालमियत को बरकरार रखने के लिए वुज़रा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सोच समझ कर बयान दें, क्योंकि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और पूरी दुनिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले से सुनती है। मज़ीद अपडेट्स के लिए बेस्ट स्टॉक को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।